मैं गौतम मिर्धा गोड्डा से आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मतलब एक न्यूज मिला है कि गोड्डा से कलकत्ता सियालदा और गोड्डा से पटना की ट्रेन अब गोड्डा से स्टार्ट होगी बहुत ही जल्द। तो उसका दोस्तों टाइम टेबल भी आ गया है। और देखिए गोड्डा से ट्रेन जो खुलेगी सियालदा के लिए वो 12 नंबर से खुलेगी, जो सुबह रोज़ 8:35 से चलकर शाम 6:35 सियालदा तक पहुंचेगी। और दोस्तों सियालदा से चलकर रोज़ 12 बजे दिन में चलकर और रात को 11:30 बजे गोड्डा पहुंचेगी। तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये जो ट्रेन चलेगी तो ये यहाँ गोड्डा से चलेगी और पोड़िया हाट, हंसडिया, नोनीहाट, बड़ा प्लासी, दुमका, सिकाड़ी पाड़ा, पिनगड़िया, रामपुर हाट में रुकेगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बहुत ही मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर निशिकांत दुबे को, जिसके कारण इतना बड़ा मतलब हम लोग को उपलब्धियाँ हासिल हुई है, जो गोड्डा के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इतना ही कम समय में गोड्डा में बहुत सारा ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है और आने वाले समय में तो लगता है कि गोड्डा बहुत ही आगे तक चल जाएगी। ये भी बड़ा शहरों में गोड्डा भी हम लोग का आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए इधर अभी ट्रेन लगी हुई है, ये ट्रेन है रांची गोड्डा, और रांची टू गोड्डा के लिए दो ट्रेन है यहाँ से। दोस्तों मेरे पीछे साइड अभी ट्रेन आ रही है रांची टू गोड्डा का। तो देखिए ट्रेन थोड़ी स्पीड से ही आ रही है तो मैं साइड हो जाता हूँ। और देखिए यहाँ पैसेंजर लोग का भीड़ भाड़ लग चुकी है, चारों बगल अपना जिसका भी रिलेशन वो अपने रिसीव करने आए हैं। और देखिए मैं ट्रेन दिखाऊँगा, फ्रंट व्यू दिखाऊँ कैसे यहाँ ट्रेन घुस रही है। तो गाइज ये रही इंटरसिटी रांची गोड्डा एक्सप्रेस जो घुस रही है अपने ही रफ्तारों में। तो बहुत ही भीड़ भाड़ है ट्रेन में। तो देखिए आज कितना भीड़ भाड़ लग चुकी है यहाँ ऑटो टोटो की। देखिए और ये पार्किंग रहा, और देखिए अब यहाँ पार्किंग भी का भी व्यवस्था हो गया है, गार्ड हर जगह देखिए, सेफ्टी गार्ड। और देखिए यहाँ आप बाइक वगैरह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गार्ड वगैरह भी रहते हैं यहाँ, हर चीज़ का सुविधा हो गया है। और देखिए 4 व्हीलर का 10 रुपीज़ देखिए दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो गाज आप लोग को दिखा रहे हैं ये ट्रैक अभी बन चुकी है, मतलब नया ट्रैक है। तो दोस्तों ये ट्रैक जो दिखा रहे हैं आप लोग को, तो ये ट्रैक मतलब महगमा का लाइन जोड़ा जा रहा है। तो देखिए लगभग सब काम पूरा हो चुका है, चारों बगल देखिए विद्युतीकरण भी हो चुका है, लगभग हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में लगता है यहाँ महगमा वाला भी स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक। और देखिए दोस्तों उधर मेरे आगे साइड जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 है, तो वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ अभी बहुत सारा काम हो चुका है, और देखिए स्पीकर वगैरह भी लग चुका है। देखिए ये स्पीकर रहा, और देखिए साइन बोर्ड भी गोड्डा का बहुत ही बढ़िया है। देखिए यहाँ का लुक भी बहुत अच्छा है दोस्तों। और देखिए आजकल आप देखिए वहाँ ऑटो स्टैंड जो लगी हुई है, ऑटो स्टैंड में भी अब वहाँ मतलब सिक्योरिटी गार्ड रख दिया गया है कि अगर आप लोग आते हैं, अगर आप लोग पास गाड़ी कुछ है तो आप लोग वहाँ मतलब कुछ चार्ज लेगा, आप लोग चार्ज दे के 6 रुपया चार्ज है 3 घंटा का, तो चार्ज दे के आप लोग अपना गाड़ी रख सकते हैं। और यहाँ का लुक देखिए, देखिए इधर क्वार्टर सब है, क्वार्टर बनी हुई है, रेलवे का क्वार्टर है, स्टाफ लोग क्वार्टर है। अब देखिए कितना ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अभी दोस्तों ट्रेन आने वाली है दुमका से खुल चुके रांची, जो रांची गोड्डा की ट्रेन है जो वो अभी आने वाली है। तो दोस्तों हम लोग का यहाँ रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे, साथ में मेरे सहयोगी जितेंद्र भैया थे। तो जितेंद्र भैया कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ पे गोड्डा ज़िला में ये स्टेशन जो बना है काफ़ी अच्छा है, और जो हम लोग जो सोच रहे थे कि गोड्डा में आना चाहिए स्टेशन बनना चाहिए तो बन ही गया है। अब हम लोग को जो है अब ऐसे की बहुत सुविधा मिल गई है रांची कोलकाता पटना जाने के लिए, अब दिक्कत नहीं है। तो जितेंद्र भाई पूरा खुश है ना? खुश है जितेंद्र भाई, भी अपने नानी घर जाएंगे साहेबगंज, यहीं से गाड़ी पकड़ेंगे क्या? जितेंद्र भैया बताइए,
अरे क्यों नहीं, सुविधा है तो सुविधा तो फायदा लेना होगा ना। ससुराल भी जाइएगा क्या? क्यों नहीं, अरे ससुराल तो जाना है। ससुराल बता दीजिए दर्शन बाबा, जहाँ भी रांची तरफ कर रहे हैं शादी तरफ भैया। तो ठीक है दोस्तों, आज कल इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग देखते रहिए, बाय बाय कर दीजिए।